हेलो गाइस, कैसे आप सब? गाइस मैं सोनाली और मैं हैदराबाद में रहती हूँ। और मेरा ये बोलने का जो ये है ना स्टार्टिंग, तो थोड़ा सा सेंस कर लिया है, तो ऐसे बोलना अभी मुझे अच्छा लग रहा है, तो इसीलिए स्वागत है मेरे वीडियो में। कैसे आप सब? और जन्माष्टमी, तो आज हम लोग रेडी हो गए सुबह सुबह नहा के। और अभी रेडी कितना बजे हो गए हम लोग? 11 बजे 11 बजे हम लोग रेडी हो गया, और आज उठने में बहुत देर हो गया। जन्माष्टमी के दिन ही हमारे लेट हो गई हो उठने में, क्योंकि आज रामकिन्ना की भाई और मैं ही हूँ घर में। तो रामकिन्ना भी नहा लिया है, रामकिन्ना हैप्पी कृष्ण और जन्माष्टमी। हम लोग रखा है ब्रॉड दोनों ने, और अभी तक हम लोग पानी भी नहीं पिया है। और राम गया है गाँव, तो हम लोग तीन ही है घर में। तो अभी सामान लेने के लिए हम लोग जा रहे हो, पूजा का सामान हम लोग लाएंगे। अभी हम लोग रेडी हो गई है पूजा का सामान लेने के लिए, और घर का साफ सफाई पूरा हो गया है। रामकिन्नाई बच्चे तो वगैरह लगा, गाइस अभी मैं भी जाएंगे चाची के साथ। और अभी हम लोग जा रहे हैं। अभी तक हम लोग कुछ भी खाया नहीं है, बस भागा। हम लोग पूजा वगैरह कर लिया है, देखिए मंदिर में पूजा हो गया और साफ सफाई पूरी हो गई। तो अभी हम लोग निकलते हैं और क्या क्या सामान लाएंगे पूजा के लिए, और शाम को हम लोग पूजा करेंगे कान्हा जी का, तो दिखाते रहेंगे वीडियो, आप लोग देखते रहिएगा। और अभी हम लोग निकलते हैं मार्केट में। तो गाइस मैं मार्केट से आ गई, मार्केट से आके फिर मैं खाना भी बनाने लगी हूँ, मेरे लिए नहीं क्योंकि हमारा व्रत है रामकिन्ना मेरे। ये है लौकी की सब्जी बना रही हूँ, लौकी की सब्जी और साउल, क्योंकि रामकिन्ना के भाई को तो वो काम पे गया है, वो व्रत नहीं रखा, तो उसके लिए खाना बना रही हूँ। और अभी हो गया टाइम 1, तो हम लोग आ गया, फल फ्रूट वगैरह लेके आ गया, जो जो पूजा का सामान चाहिए वो भी लेके आया है। और शाम को हम लोग सजा लेंगे, कान्हा जी को हम लोग बैठाएंगे, उसके बाद 12 बजे हम लोग पूजा करेंगे। और अभी रामकिन्ना को थोड़ा सा मैं एक लुक क्रिएट करके दिखाएंगे, तो क्या बनाएंगे वो मैं दिखाएंगे वीडियो में। फुल वीडियो तो नहीं दिखाएंगे, थोड़ा सा मतलब कैसे सजाएंगे क्या करेंगे वो दिखा देंगे। तो आप लोग मेरी वीडियो में बने रहिएगा, और शाम तक 12 बजे तक आप लोग मेरी वीडियो में बने रहिएगा। तो गाइस अभी हमारा रेडी हो रहा है, ड्रेस तो हो गया, अभी मेकअप करना है। और रामकिन्ना का ये अभी लुक देख लीजिए, और दूसरा लुक देखने के लिए आप लोग रेडी हो जाइए। मेकअप मुंह का काला थप्पा स्टार्ट होने जा रहा है। तो गाइस अभी ये मेकअप शुरू हो जाएगा। मैं मेकअप से किसी का इंसान का कुछ शक्ल का पता नहीं रहता है। मैं हूँ मेकअप मैन, और इसको मैं सजाएंगे, और हम शुरू करते हैं। तो हम बैठ जाते हैं सामने मुंडी करके, पंडित जी आ चुके हैं। तो अभी हम शुरू कर देते हैं, ये लिपा पोती करना, लिपा पोती स्टार्ट हो गया है, लिपा पोती का स्टार्ट हो गया है। कुछ देर बाद में उतनी बनेगा, क्या बनेगा वो आएगा कि मेरा के सामने देख लीजिए गाइस कितना कैसा हो गया है फेस। और अभी स्टार्ट करते हैं आगे, मेकअप मैन 3 का मेकअप मैन, एक टक्का भी नहीं मिलेगा मेकअप मैन को। मेकअप मैन के लिए ही हम ये सब कर रहे हैं, वरना हम भी नहीं करते। पट्टी अभी थोड़ा सा हो गया और थोड़ा सा है, कर लेते जो इधर फ्लोराइड रहा जा करता है। और गाइस देख लीजिए हमारा मेकअप फिनिश हो गया है, और ये है रामकिन्ना की फाइनल लुक। 2 लुक मैंने बनाया है, तो आप लोग जरूर इंतज़ार कर लीजिएगा लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। और ये देखिए हमारी ये राधा रानी निकल रहे हैं, और मैंने रील बनाया था, और ये रील का ये खींचा है। आप लोग रील देखे तो आप लोग फेसबुक में भी रील देख सकते हैं, और इंस्टा में भी देख सकते हैं। तो कुछ इस टाइप का हम लोग रील बनाया, रील पूरा देखना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर इंस्टा में और फेसबुक में ज़रूर देख सकते हैं। तो देख लीजिएगा रील कैसा बना है रामकिन्ना का। लिपापोती अभी खत्म हो चुका है मेरा, देखिए कब का खत्म होके वीडियो भी बना, कैसा सजाया तो ज़रूर आप लोग बता दीजिएगा। और ये बाल निकल गया। हम लोग वीडियो वगैरह भी खींच लिया है, इंस्टाग्राम में वीडियो वगैरह खींच लिया। तो ये भाई इसका क्या,
ये किस चीज का है गाइस बताइए। ये है हमारा जुगाड़ू है, तो ये जुगाड़ू मुकुट है, तो आप बताएंगे कमेंट में कि क्या है ये, किस चीज का है, जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। तो गाइस अभी कुछ देर और वेट कीजिए, मैं नया लुक में आती हूँ आपके पास, दूसरा लुक में आ जाते हैं राम की, वो आपके लिए सरप्राइज है। और ये है राम कृष्णा का दूसरा लुक जो कान्हा जी बना दिया, ये भी एकदम जुगाड़ू है, हर चीज जुगाड़ू ही बोल सकते हैं इसमें। तो कान्हा जी का ड्रेस तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए मेरे ये साड़ी से धोती बना दिया, दुपट्टा से इसका ये बना दिया है ऊपर का, तो कुछ इस टाइप से बनाया है। और ये भी एक रील का ही ये है, तो आप लोग ज़रूर रील देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, रील देख के भी बहुत ही अच्छा अच्छा रील बनाया है राम कृष्णा ने। तो श्री कृष्ण का लुक कैसा है वो भी आप लोग ज़रूर बता दीजिएगा गाइस। उसके बाद हमारा आता है दूसरा कान्हा जी, तो ये कान्हा जी देख लीजिएगा, और ये हमारा बिल्डिंग में ही है, तो ये कान्हा जी राम कृष्णा ने सजाया है। तो ये कान्हा जी भी देखिए कितना क्यूट है, और हम लोग शाम तक बहुत ज़्यादा एंजॉय कर लिया है वीडियो के लास्ट तक, अगर आप लोग देखेंगे ना तब लोग मालूम पड़ जाएगा हम लोग कितना क्या 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 है श्री कृष्ण जन्माष्टमी के लिए। बहुत ही सुंदर क्यूट बन गई है ये भी, तो कैसी बनी है ये भी आप लोग ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा गाइस हमारा लंडा। तो गाइस अभी मैंने जन्माष्टमी के लिए थापना सजा रही हूँ, और अभी सजा रही हूँ, और जब रेडी हो जाएगा तब मैं आप लोगों को दिखाएंगे, फिलहाल अभी स्टार्ट कर लिया मैंने। चाची अभी सजा रही है, और आज हम फोड़ने वाले हैं नीचे मटकी, तो आज हम फोड़ेंगे मटकी, धूम लगाएंगे, मटकी फोड़ेंगे, दिखाते हैं अभी कुछ देर में कहाँ फोड़ेंगे हम मटकी। तो गाइस देख लीजिए मैं कान्हा जी को बैठा दिया है, और ये सजा लिया है, और अभी हमारा बाहर मटकी फोड़ेगा, तो मटकी फोड़ने के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो ये मैंने सजा लिया, ज़्यादा ये नहीं किया है, जितना मेरे को समझ में आ रहा है उस हिसाब से मैंने सजा लिया है, दिया नहीं लगाया, थोड़ी देर बाद इधर में दिया लगाएंगे। और ये हमारा नन्ना सा कान्हा जी है, और एक फ़ोटो है, और इसके बाद देख लीजिए हमारे घर में जो शाम के टाइम डेली पूजा होता है वो पूजा भी हम लोग कर लिया है। अभी ये पूजा हो गया, अभी नीचे जाएंगे हम लोग मटकी फोड़ने के लिए, तो अभी चलते हैं नीचे। लगाओ हाथ लगाओ, हाथ लगाओ जो भी फर ठोक दे, किसना की माला की चपटी है भोजो। तो इधर देखिए गाइस आलू उबाल रहे हैं, और इधर आटा लगाया है, फिर नारियल कटिंग हो रहा है प्रसाद के लिए, राम कृष्णा नारियल काट रहे हैं, और इधर दही लगा हुआ है बालों में, दिखा
इधर मटकी फोड़ा था वो दही लगा हुआ है। तो गाइस में मटकी फोड़ा कैसा लगा बताइए। और हमारा प्रसाद का भी लगभग हो ही गया है, इधर पंचामृत बनाना है। पंचामृत ये प्रसाद मैंने ऐसे चढ़ाया है और ये है असम में ये कलेश आने का प्रसाद चढ़ाते हैं और ये मैं डालेंगे और इसमें मैंने दही भी डाल दिया है। बस दिया लगाना बाकी है, दिया भी नहीं लगाएंगे, दिया लगाएंगे हम लोग 12 बजे। रजिस्टर लेके लिखी थी। तो गाइस अभी हम लोग पूरी बना रहे हैं, कितना बड़ा बड़ा पूरी बना रहे देखिए। जन्माष्टमी स्पेशल ये कितना बड़ा बड़ा पूरी है। और मैंने सब्जी भी बना लिया, एक ही सब्जी बनाया, ये देखिए आलू की सब्जी। इसमें प्याज कुछ भी नहीं डाला है, आलू सोयाबीन की ये सब्जी है, प्याज वगैरह नहीं डाला। तो गाइस देख लीजिए लगभग हमारा टाइम हो गया है और 12 बजने से पहले पहले मैं बाकी का काम जो है ना वो रेडी कर देती हूँ। अभी दिया वगैरह जलाना ये सब काम रेडी कर देती हूँ और प्रसाद वगैरह मैंने लगा के रखा है लेकिन मैं ढक के रखा। तो अभी मैं दिया लगाएंगे और